ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको नागरिकता दे देगा, बांग्लादेशी के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, बर्मा के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर, वहां के शरणार्थी के नाम पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन जब आपका नाम एनआरसी में आ जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड आपको मान्य नहीं होगा, पहचान पत्र जो है ये भी मान्य नहीं होगा। आपका सिर्फ मान्य क्या होगा, जो आपका खतियान है, खतियान में आपका बाप के नाम से, दादा के नाम से जो खतियानी है जमीन, वही मान्य होगा। लेकिन आप कैसे सबूत करिएगा कि आपका दादा वही है? यहाँ तो मोहम्मद स्वर्ण में लिखिएगा आधार कार्ड में, और अगर कंप्यूटर में लोड हो गया है मोहम्मद पूरा टू, तो जैसे मोहम्मद अफलातुर रहमान, बाप का नाम फजलुर रहमान, जैसे बटन दबेगा आपका नाम नहीं निकलेगा, उसी में आप एनआरसी में आ जाइए। और हिंदू भाई को मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको श्री राम लिखिएगा, आपका बाप का नाम अगर श्री राम, जय गणेश लिखिएगा, एक तो जय गणेश अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा, हथियारी में जय गणेश है, आधार में जय गणेश नहीं है, सिर्फ श्री राम है, तो आप किसी को कंप्यूटर लोड नहीं लिखाएगा, तब आप एनआरसी के दायरे में आ जाइए। जब एनआरसी के दायरे में जब आप आ गए तो उसके बाद क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको तो नागरिकता भारत में दिया जाएगा, लेकिन आप बताइए कि किस देश के नागरिक से आपको फॉर्म में एक कॉलम होगा। जैसे हम पहले बताया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा या अफगानिस्तान, जो जैसे जो जाति होगा उसके बाद आपको चॉइस पूछा जाएगा। तो आप क्या कहिएगा, चाहे बांग्लादेश का नाम बताइएगा या बगल में बर्मा है उसका नाम बताइएगा, उसका फॉर्म लिखा जाएगा। आप यानी नागरिकता तो आपको देंगे, लेकिन आप कहाँ से आपका दादा आया होगा, परदादा आया होगा, आपको पूछा जाएगा। तो आप कहिएगा कि हो सकता है कि बांग्लादेश से आया, तब आपको वहां का कॉलम में भरा जाएगा बांग्लादेशी, आपको भारत का नागरिकता देगा, लेकिन वहां लिखा जाएगा बांग्लादेशी। जो हमको आरक्षण आपको मिला है, चाहे वो हरियाणा आदिवासी हो, चाहे जो भी जाति को आरक्षण मिला है, फिर उससे आपको उस आरक्षण के आधार पर जो आपको नौकरी मिला है वो उससे आप वंचित हो जाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए रह जाइएगा। मैं हिंदू भाई से बता देता हूँ, मुसलमान भाई को तो मैं जानता हूँ कि सीए के खिलाफ में आपके विरोध क्या होने जा रहा है, और मुसलमान इतना कमजोर भी नहीं, मुसलमान पूरे भारत के रोड में निकल चुका है। और मैं ये चाहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, सीए रद्द करना होगा, इसलिए रद्द करना होगा। मैं आपको बता देता हूं, जिस समय भारत का आजादी हुआ था उस समय अंग्रेज ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों से हमने हुकूमत किया है, हम मुसलमान को हुकूमत देंगे। लेकिन भारत के मुसलमानों ने कहा है था, उस समय जो भी महान पुरुष थे उसने कहा था कि भारत सेकुलर देश था, है और रहेगा। उस समय के मुसलमान जो महापुरुष थे उस समय ये प्रश्न था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का सोच था और अंबेडकर जी का संविधान बन रहा था, इसीलिए उसने कहा था कि भारत देश सेकुलर रहेगा। तब क्या हुआ कि महात्मा गांधी के अध्यक्षता में फिर भारत देश को जितने भी उस समय कमेटी था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना भी धर्म थे हमारे हिंदुस्तान में, सब बिरादरी के लोगों को भारत को सौंपा गया और उसमें लिखा गया है आजादी के समय में कि भारत देश सेकुलर है था रहेगा। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम संविधान बदल नहीं सकते हो, इसलिए नहीं बदल सकते हो कि आजादी के समय में उस संविधान को लिखा गया है। मैं हिंदू भाई से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या आप महात्मा
कानून का सोच को लेकर नहीं चलोगे? क्या अंबेडकर का संविधान को लेकर नहीं चलोगे? क्या हिंदुस्तान में जो कल्चर है, जो हमारा भाईचारा की है, उसको लेकर नहीं चलोगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह देश सिर्फ हिंदू और मुसलमान का लड़ाई नहीं है, किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान का लड़ाई नहीं है। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, और भाजपा के लोग, कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग हवा देने में लगा कि हिंदू मुस्लिम का मामला बना करके हिंदू मुसलमान का राइट करा। लेकिन एक बात जान लीजिए, आज पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों ने रोड पर उतर चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में आप भाग लीजिए और भारत का इतिहास जो है उसको बचाइए, वरना आने वाला कल फिर पाकिस्तान की तरह बढ़ जाएगा और कोई रोक नहीं सकेगा। नरेंद्र मोदी रोक सकेगा, ना अमित शाह रोक सकेगा, ना ये पंचू राम नीतीश कुमार रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। नरेंद्र मोदी, हम लोग जानते थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ नियम नियत होता, लेकिन ये पंचू राम से हम लोग को ये अंदाजा नहीं था।